कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टाइल ऑफ हिस्ट्री में। सर तो आज सुबह में आई है मेरी एक और बहन बुआ की लड़की, तो चलिए उससे मिलवाते हैं। वो आई है दिल्ली से बस से। हाय बोलो। हाय। और ये है सिम्मी जो कि परिवार की तरह ही है, परिवार का एक हिस्सा है। तो बस इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग मेरे फैन को गुड मॉर्निंग विश कर दो। तो चलिए जैसा जैसा आज का डे जाएगा वैसे वैसे मैं आपको हर किसी से मिलवाती रहूँगी। जो भी घर में हो रहा है वो सब बताती हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग के बाद हम लोगों ने चाय पिया और ऊपर में आए हैं, आलू का पराठा बना हुआ है, तो सब लोग आलू का पराठा इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ जी, कुछ बोलिए, बिना आपके बोले मेरा ब्लॉग अधूरा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत मजा आ रहा है खाली के घर आने से। बहुत टेस्टी बन रहा है खाना भी टेस्टी बन रहा है। और इसका पूरा क्रेडिट खाने वाले लोगों को जा रहा है। तीन मूर्तियों से एक तो नीचे है, दो इधर खाने पे जुटी हुई है और मामी भी बैठी हुई है। तो मामी और हम वेटिंग एरिया में हैं। हम दोनों के लिए अभी पूरी बनी नहीं है, बन रही है। मासी अपना पूरी ले रही है और बड़ी वाली मासी का हो गया है। तो मम्मी कुछ, मासी कुछ बोलोगी? क्या बोले? कैसा है नाश्ता? अच्छा नाश्ता कैसा? इतना भी अच्छा, बहुत अच्छा। खाना मस्त है ना? अच्छा बना रहा ना? हाँ अच्छा बना रहा। हाँ तो मौसी लोग का फीडबैक पॉजिटिव है कि खाना बहुत अच्छा बना रहा है। उधर गुड़िया दीदी की सासू माँ है, टहल रही हैं। और चलिए थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ आगे की, हम भी कुछ खा ले, भूख लग गई है। सो गाइस अभी हो गया है दोपहर, दोपहर के चल रहा है हमारा खाना क्योंकि बाकी दीदियाँ और जीजा जी चले गए हैं मार्केट। दीदी जीजा जी गए हैं देवकाली मंदिर और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं दाल चावल और पटल की सब्जी, आलू की भुजिया ये देखिए, और ये पापा का बनाया हुआ अचार। तो मम मौसी खाना टेस्टी है ना? अच्छा है, बढ़िया है खाना भी। तो खाना खा गाइस, मैं और मेरी फ्रेंड निकले हैं मार्केट के लिए जहाँ पर कन्यादान और पूजा का सामान लेना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि आज ये काम भी कम्प्लीट कर ले, जिससे पूजा में छोटी छोटी चीज़ें अगर याद आया तो ऐट द टाइम ले लिया जाए। और लिस्ट तो मैंने पूरी बनाई है, चलिए पूरा सामान मिल जाए तो मैं आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको शॉप पे। मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी से हैगा और पुरवा तो ले लेंगे, कोहबर बंधनवार आरती की थाली तो ले लेंगे और गौरी चाहिए, पीड़ा रहने तो पीड़ा चिड़िया। सो गाइस आप देख रहे हैं वहाँ पे एक लोग हैं, दो तीन लोग हैं जो गाड़ी सही कर रहे हैं। तो अभी जल्दी में ही हुआ एक्सीडेंट और उस पर एक बाइक वाला लड़का था जो बहुत गंदी तरीके से बाइक चला रहा था और उसकी वजह से बेचारे कार वाले का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो यही है आजकल के लड़के जो है ना, कैसे भी ड्राइविंग आए ना आए लाइसेंस उनके जेब में होता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कैसे भी गाड़ी और उसको सोचो बेचारे का कितना लॉस हो गया। और खैर उसको स्कूटी वाले को या स्कूटी वाले को कोई चोट नहीं लगी क्योंकि उसने सही समय पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन उसकी गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो गई उसकी स्कूटी से लगकर। तो क्या किया जा सकता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ शॉप पे। तो गाइस हम लोगों ने सारा सामान ले लिया है, ये रहा हम लोग के कन्यादान और शादी का सारा सामान। और इसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, छोटी सी पार्टी है तो चलते उसको इंजॉय करते हैं। और ये रही शॉप जो कि ये मकबरा के पास है, थोड़ा सा अगर आप तिराहा क्रॉस करोगे तो ये उनकी फर्स्ट शॉप पड़ती है जहाँ पे कामा के कपड़े और पूजा के और शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ये भैया जिन्होंने मुझे सारा सामान दिया, थैंक यू। तो चलते हैं अब। सामान लेने के बाद अब हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग को मिल गए थे रिकी के जीजा, रिकी मीन्स जिससे मेरी बहन की शादी हो रही है। तो उनको भी शादी का सामान हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनकी हेल्प की, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपसे आगे मिलते हैं। और कुछ मुझे उनको देना भी था तो वो लोग शायद अभी पीछे हैं और हम यहाँ उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे। उनसे मिलने के बाद, उनको वो सामान देने के बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए क्योंकि घर पे कोई और प्लान चल रहा है, तो उसका जाके मुझे पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्या कि प्लान क्या है। तो फिर अभी मैं मिलती हूँ आपको घर पे।
तो हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप, और क्योंकि मेरी फ्रेंड के स्कूटी का पेट्रोल क्योंकि मेरी फ्रेंड की स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था ना हमारी स्कूटी का, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। अब इधर से हम लोग निकल रहे हैं फिर से मार्केट, तो मार्केट में एक और काम बचा हुआ है उसको करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। अभी मैं भूल गई थी तो अभी याद आया तो हम लोग कहें कि फटाक से उसको भी ले लेते क्योंकि मार्केट में ही। सो गाइस अब घर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और उन्हें लगी थी भूख तो जल्दी जल्दी में इतने भीड़ में अभी खाना बना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मैगी खा लूँगा। मैगी तो बनी, फिर वो देखिए वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई ना, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, खासकर वो छोटा बच्चा, जब तक खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मानूंगा नहीं। तो रात का जो डिनर है वो बना हुआ है बाटी चोखा, और सब लोग बड़ी प्यार से फर्श पे बैठ के खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और इधर आप दो फ्रेंड्स को बहुत पहले ही पहचान रहे होंगे, ये देवरानी जी और वो ननद जी वो छोटी, बाकी वो तीन मूर्तियाँ मतलब मेरी माँ, दोनों मौसी, इधर मामी और उनकी बिटिया। सो हम लोगों का अभी है खिलाने का जो खिलाने की ड्यूटी है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। चलो अब शांत हो जाओ, चलो चलो शांत रहो, चुप रहो। करती और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब।